यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि ब्रह्मध्वज में शक्ति व चैतन्य की तरंगे एक ही समय पर आकृष्ट होती है परंतु उनकी आगे की प्रक्रिया समझने के लिए एक एक प्रक्रिया पूर्ण रूप से दर्शाई गई है ब्रह्मध्वज पूजन का परिणाम पहले हम देखते हैं ब्रह्मध्वज पूजन का पूजक पर परिणाम भावपूर्ण रीति से व सेवा भाव से पूजन किए जाने से पूजक के अनाहत चक्र के स्थान पर शरणागत भाव का वलय निर्माण होता है इससे उनका ईश्वर से संधान साध्य होता है उनकी ओर शक्ति का प्रवाह आकृष्ट होता है इस प्रवाह द्वारा उनके देह में शक्ति का एक कार्यरत वलय निर्माण होता है उनके देह पर बना काला आवरण दूर होता है तथा देह के चारों ओर सुरक्षा कवच निर्माण होता है भावपूर्ण रीति से पूजन किए जाने से पूजन क्रिया में शक्ति की तरंगे प्रवाहित होती है पूजक की ओर ईश्वर से चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट होता है पूजक के अनाहत चक्र के स्थान पर चैतन्य का वलय निर्माण होता है उनकी भावपूर्ण कृति द्वारा ब्रह्मध्वज की ओर चैतन्य का प्रवाह प्रक्षेपित होता है अब हम देखते हैं ब्रह्मध्वज का पूजन करते समय पुरोहित पर होने वाला परिणाम पूजा विधि बताते समय यदि पुरोहित में यह भाव रहे कि वे साक्षात ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो उनके अनाह चक्र के स्थान पर शरणागत भाव का वलय निर्माण होता है इससे उनका ईश्वर से संधान साध्य होता है उनकी ओर शक्ति का प्रवाह आकृष्ट होता है उनकी बुद्धि के स्थान पर तेजों में तारक शक्ति का गोला निर्माण होता है पूजा में किए गए मंत्रोच्चार से वातावरण में शक्ति की तरंगों का प्रक्षेपण होता है साथ ही वातावरण में शक्ति के कण संचारित होते हैं पुरोहित की ओर चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट होता है उनके अनाहत चक्र के स्थान पर चैतन्य का वलय निर्माण होता है तथा देह के चारों ओर सुरक्षा कवच निर्माण होता है